आज के संसार में करीबन करीबन लोगों को देखा जाए तो करीबन करीबन लोग दुखी हैं, सब आकर के रोते हैं, गुरुदेव तकलीफ है, गुरुदेव परेशानी है, गुरुदेव मुश्किली है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, समझ लेना, आप दुखी हो या आप दुखी रहना चाहते हो? यह बड़ा सवाल हमारे जीवन के लिए, हम दुखी है या रहना चाहते हैं? सुख के हजार रास्ते हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम वो रास्ते को चुनते नहीं, वो रास्ते को पकड़ते नहीं, वो रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते और जीवन भर हम शिकायत करते रहते हैं, हम दुखी है, दुखी है, दुखी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, समझ लेना, आप लोगों के जीवन के ऊपर जब हम दृष्टिपात करते हैं, आप लोगों के जीवन को जब देखते हैं, तो हमें यह महसूस होता है आप दुखी नहीं हो, आप दुखी रहना चाहते हो। सुख के हजार रास्ते, यदि मन को संभाल लिया जाए, मन को समझा दिया जाए, मन को थोड़ा सा हैंडल कर लिया जाए, मन के ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया जाए, तो निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूं आप सुखी बन सकते हो। लेकिन आज के इंसान की परेशानी, चाहे छोटा बड़ा, चाहे बुजुर्ग, चाहे वृद्ध, चाहे युवक, चाहे युवती, हर व्यक्ति कहता है कि हम दुखी है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, एक बार शांति से बैठ करके अपने आप से सवाल कर लेना, हम दुखी है या दुखी रहना चाहते। हमारे मन को हमने नहीं संभाला, इसलिए हम दुखी हैं। हमारे यहां बताया गया तीन तरह के दुखी लोग संसार में होते हैं, समझना। अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना, अपने आप को चेक करते रहना, अपने आप को देखते रहना कि कहीं हमारा नंबर इसमें तो नहीं है। पहले नंबर के दुखी लोग संसार में कौन है, समझना। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया कि अपने आप को चेक करते रहना, हम दुखी है या हम दुखी रहना चाहते हैं। तीन तरह के दुखी लोग संसार में हैं, और यदि ये तीन में हमारा नंबर है तो उससे बाहर निकलने के भी तीन रास्ते हैं। यदि ये तीन में हमारा नंबर है और संसार के 99% लोगों को देखा जाए तो ये तीन में कहीं ना कहीं नंबर है, और नंबर है तो उससे बाहर निकलने के रास्ते क्या है वो भी जरा समझ लेना। सबसे पहले नंबर के दुखी लोग, जो जीवन और वह जीवन के अंदर दुख है नहीं लेकिन दुख समझने वाले, पहले नंबर के दुखी लोग संसार में ये है, दुख समझने वाले। दुख है नहीं कहीं पर भी, लेकिन उनको लगता है कि मैं बड़ा दुखी हूं, 50, 100, 200 करोड़ के आसामी हूं, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, व्यापार अच्छा चल रहा हो, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हो, फिर भी आदमी यह कहता है कि भगवान जीवन में बड़ी तकलीफ है। अरे इतना वेल सेटल जीवन है, इतना अच्छा जीवन है, परमात्मा की दया से स्वास्थ्य तेरा अच्छा है, परिवार तेरा अच्छा है, संपत्ति तेरे पास चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा ही मिल गई है, घर तेरा अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद फिर दुख तुझे किस बात का? अरे मैं तो यहां तक कहता हूं, समझ लेना, संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए दो टाइम का भोजन नहीं है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका शरीर ढकने के लिए जिनके पास कपड़े तक नहीं है, संसार में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, चलने की क्षमता नहीं है, फिर भी वो लोग अपने आप को सुखी मानते हैं, और आप लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद आप अपने आप को दुखी मानते हैं, समझना। पहले तरह के जो लोग संसार में दुखी है वो दुख समझने वाले, दुख है नहीं पर दुख समझते हैं, दुखी है नहीं पर अपने आप को दुखी मान लेते हैं, और इससे उभरने का एक ही रास्ता हमारे शास्त्रों में बताया गया, समझ। यदि आपको लगता है हर चीज होने के बावजूद, पूरा जीवन वेल सेटल होने के बावजूद यदि आपको लगता है कि मैं दुखी हो, तो शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझ लेना, आपके भीतर सकारात्मकता को लाना पड़ेगा, आपके भीतर जब सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का प्रवेश हो जाएगा तो आपको सुख की अनुभूति होने लगे। मैं तो कई बार कहता हूं, घर में एक नेगेटिव आदमी हो पूरे घर का माहौल बिगाड़ देता,
समाज में एक नेगेटिव आदमी हो पूरे समाज का माहौल बिगाड़ देता है, संघ में एक नेगेटिव आदमी हो पूरे संघ का माहौल बिगाड़ देता है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में हर कदम पे आपको ये फील होता है कि हम दुखी है, तो निश्चित तौर पर सकारात्मकता को जीवन में लाओगे तो कहीं ना कहीं ये दुख आपका दूर होगा। पहले नंबर के दुख इंसान दुख समझने वाले, दूसरे नंबर के दुख इंसान दुख खड़ा करने वाले। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो दुखी है नहीं पर दुख खड़ा करते हैं। हिंदी में कहावत है ना, आ बेल मुझे मार। अपने जीवन को ऐसा बना करके रखा है, आ बेल मुझे मार। जीवन बड़ा वेल सेटल, बड़ा अच्छा चल रहा है, और एक चीज समझ लेना, यदि आप सबसे ज्यादा दुख कहीं से खड़ा कर सकते हो तो आपके नेचर की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से खड़ा करते। जिसको स्वभाव संभालना नहीं आता वो हर जगह दुख खड़ा कर देता है, सामने वाले को तो दुखी करता है, अपने आप को भी दुखी करता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, दूसरे तरह के दुखी लोग संसार में वह है जो दुखी है नहीं पर दुख खड़ा करते। अपने आप से जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे कार्य करते रहते हैं, किसी को कुछ सुनाना, किसी को कुछ बोलना, अपना स्वभाव बेकार बना करके रखना, कोई भी बड़ी बात का बतंगड़ बना देना। कई लोगों को यह आदत होती है, एक शब्द को इतना खींच तान के इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं, उसके अंदर इतना लंबा 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 कर देते हैं कि वो चीज इतनी बड़ी बन जाती है, देखने जाए तो पता चले कि कुछ था ही नहीं उसमें। एक चीज समझ लेना, अपने आप से दोहराते रहना, अपने आप से पूछते रहना कि हम दुखी हैं या हम दुखी रहना चाहते हैं। और एक चीज ये भी समझ लेना, जो दुखी है उसको तो कोई भी सुखी कर सकता है। संसार में जो दुखी है उसको तो कोई भी सुखी कर सकता है, लेकिन जो दुखी रहना चाहता है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। चाहे आप कितने मंदिर, कितने गुरु भगवंतों के पास चले जाओ, लेकिन यदि आपकी फितरत दुखी रहने की है तो संसार का कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई परमात्मा की कृपा, कोई आशीर्वाद आपको सुखी नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, अपना नंबर कहां पर है एक बार जरूर चेक कर लेना कि मैं दुख समझने वाला हूं या दुख खड़ा करने वाला। कहीं मेरा नंबर ऐसा तो नहीं है कि मैं दुख खड़ा करता हूं। और तीसरे तरह के लोग बताए जो दुख पाने वाले हैं, जिनके जीवन में असल में दुख आता है, जिनके जीवन में असल में परेशानी है। एक चीज समझ लेना, दुख समझने की आपकी आदत है तो सकारात्मकता आपको बचाएगी, दुख खड़ा करने की आपकी आदत है तो सावधता आपको बचाएगी। आपको हर कदम पे सावधान रहना होगा, तभी जाके आप जीवन में सुखी बन पाओगे, तभी जाके आप जीवन में सुख का अनुभव कर पाओगे। सावध रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे यहां लिखा गया कि धर्म क्या है, धर्म और कुछ नहीं है, कदम कदम पर सावधान रहना, यही धर्म है, यही तो धर्म की ताकत है, जो हर कदम पे सावध रहे, हर कदम पे सावधान रहे, हर कदम पे चौकन्ना रहे, मेरे से कुछ गलत वर्ड न निकल जाए, मेरे से कुछ गलत बोला न जाए, मेरे से किसी के साथ गलत बिहेवियर ना हो जाए, मैं किसी के साथ गलत ना कर दो, अरे किसी के साथ क्या, मैं अपने आप के साथ भी गलत ना कर दो, ये हर समय चौकन्ना रहना चाहिए। और इसीलिए कहा कि समझ लेना, यदि दुख खड़ा करने की आपकी आदत है तो आपको कहीं ना कहीं सावधता बचाएगी। और तीसरी बात करते हैं दुख पाने वाले। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनका जीवन वास्तविकता में दुखी है, जिनका जीवन असल में दुखी है, जो हकीकत में दुखी है,
और पहले भी मैंने बताया था, आज भी बता देता हूं कि यदि हमारे जीवन में दुख है तो निश्चित तौर पर हमें परमात्मा से एक ही प्रार्थना करनी है, परमात्मा जब जब भी दुख आए बस समता दे देना, वो समता ही आपको बचाए और कुछ नहीं बचाएगा। यदि आपको लगता है कि आप दुख खड़ा भी नहीं करते, आप दुख समझते भी नहीं, वाकई में आप दुखी हो, असल में आपके जीवन में दुख है, तो समझ लेना आपको समता बचाएगी। दुख खड़ा करने की आदत है तो सकारात्मकता बचाएगी, दुख समझने की आदत है तो सावधता बचाएगी, और यदि दुख हकीकत में आपके जीवन में है तो समता आपको बचाएगी। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझ लेना, अपने आप से ये सवाल दोहरा देना, अपने आप से ये सवाल पूछ लेना, मैं दुखी हूं या मैं दुखी रहना चाहता हूं। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।